यार हमारा जो टर्की है ना वो दिमाग को खराब करके रख देगा। आज भी दोस्तों नेवला के पास गया है। चलिए उसको घर लाते हैं। उस तरफ है दोस्तों, कितना बदमाश हो गया है। इतने दिनों तक तो यहाँ पर नहीं आया था, लेकिन दो दिन से यहाँ पर आते हैं दोनों। ये देखिए, चलो चलो घर चलो यार, कहाँ कहाँ तक आते हैं ये लोग। चलो 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 घर चलो, जाओ 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 जाओ। इनको डॉग्स भी अटैक कर सकते हैं, देखिए बहुत दूर आया है। चलो 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 जल्दी चलो। घर के आसपास जितना भी ग्रास था ना वो हमारा दोनों टर्की खाया है। अब हमारा टर्की ग्रास ढूंढते हुए फिर वहां चला गया। इनको ना फार्म के अंदर बंद करके रखना होगा। अब इस खेत में आया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये बताते हैं कि मैं गिनी फॉल को क्यों बाहर नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों यही रीजन है कि वो लोग ना जंगली होते हैं, जैसे ही मैं रिलीज करूंगा वो तुरंत बाद जंगल में चला जाएगा, बाद में डॉग या नेवला अटैक करेगा, इसलिए मैं गिनी फॉल को कभी भी फार्म से बाहर नहीं निकालता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूं। इस रूम के अंदर जो खरगोश था ना दोस्तों सभी को बाहर निकाल दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पर काम चल रहा है, देखिए एक्वेरियम को रखने के लिए यहाँ पर जगह बनाया जा रहा है। देखिए आज दोस्तों यहाँ पर ढलाई होगी। ये सब कुछ मेरा फादर ही कर रहे हैं। और ये जो रूम देख रहे हैं ना दोस्तों, एक दो तीन, ठीक है, तीनों रूम में दोस्तों अलग अलग पेट्स रखने वाला हूँ। तो कौन सा पेट्स रखूंगा अभी तक मुझे पता नहीं, तो पेट्स तो रखने वाले हैं। फेंस के केस के अंदर कंगी है, वाटर भी है, और इनको दोस्तों खाने के लिए देना होगा। यार ये सब तो बाहर है, इसके अंदर ना ज़्यादा समय नहीं रहता है, सिर्फ रात के समय इसके अंदर गया था। अब देखिए सभी व्हाइट रेड बाहर है। और यहाँ से दोस्तों थोड़ा कुछ मेल जो इसलिए बड़े हुआ है ना उनको अलग करके इसके इसके अंदर डालना होगा, ही तो ये लोग फिर से ब्रीडिंग करेगा और बहुत सारे व्हाइट रेड हमारा हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बट जिसके केस के अंदर दोस्तों कंगी है, ठीक है, जस्ट यहाँ पर वाटर जो है ना गंदा हो गया है, ये देखिए। तो हमारा बजट भी ठीक ठाक है। इनके लिए दोस्तों मैं एक नया घर लाया जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अरे अरे झगड़ा मत करो यार। ये है दोस्तों हमारा बजट का न्यू हाउस। तो यहाँ पर दोस्तों एक होल बनाना होगा ताकि हमारा जो बजट है ना वो इसके अंदर जा सके। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर एक होल बनाते हैं। ये देखिए बड़ा सा होल बन गया यार, इसको फिनिशिंग करना होगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर होल बनाया। आप चलिए केस के अंदर इसको सेट करते हैं। अरे डरो मत यार, तभी दोस्तों डर रहे हैं। इस कोने में देने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर ही सही होगा। ये हो गया दोस्तों हमारा जिसका न्यू हाउस रेडी। अब हमारा बच्चे दोस्तों इसके अंदर अंडे दे पाएगी। बड़ा सा मटकी है ये दोस्तों, बहुत बड़ा मुसीबत हो गया। हमारा एक टर्की वहां पर है मेल, ठीक है, एंड फीमेल इस तरफ है। यार क्या करो, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या करना चाहते हैं। ब्लॉग की शुरुआत में आप लोगों को दिखाया था कि वो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आया है। उस वक्त मैं उनको पकड़ा नहीं था, ठीक है, फार्म के अंदर नहीं रखा था। तो आप दोस्तों फिर से यहाँ पर आया था और वो लोग आप कहाँ पर है पता है, मैं लोग दिखाता हूँ। वहाँ पर है फीमेल, शायद आप लोग को नहीं दिख रहे, और वहाँ पर है हमारा मेल। मैं लोग को जूम करके दिखाता हूँ, वो देखिए। यार क्या होगा, आप कैसे बाहर निकलेगा ये लोग? अगर फीमेल यहाँ से निकलेगी तो मेल भी बाहर आ जाएगा। चलो चलो चलो, ये देखिए यहाँ पर है। चलो 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 चलाई चलो। हाँ हाँ हाँ, उस तरफ नहीं यार, उस तरफ तो पुल है। नहीं 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 यार, देखिए वो मेल दिख रहा है ना, और यहाँ पर है फीमेल। यार ऐसा होगा मैं उम्मीद ही नहीं किया था। आप इनको पुल से निकालता हूँ, उसके बाद दोस्तों फार्म के अंदर बांध करके रखूंगा इनको। मैं आगे भी नहीं जा सकता दोस्तों, यहाँ पर ना पूल है, इनको बाहर निकलना भी मुश्किल है दोस्तों, लगता है पूल में उतरना होगा। फाइनली मेरा फादर आया और टर्की को निकल रहे हैं।
एक्चुअली उस तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। सबसे पहले उस तो पुल के अंदर जो हमारा रानी है ना वो गई थी, उसके बाद रानी को देख के हमारा राजा भी गया। तो रानी तो कब निकल चुकी है, अब देखिए इस बेचारे का हालत देखिए, काफी थक चुका है, डरा भी है, ये चल भी नहीं पा रहे हैं यार। ये देखिए बैठ गया यार, चलो 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 चलो, कुछ नहीं हुआ, डरो मत यार। इसका रानी दोस्तों बहुत ही सेल्फिश है, क्या ये बात आप लोगों को। ये देखिए किस तरीके से सांसें ले रहे हैं, चलो 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 चलो, ये जा रहे, बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए ये ना अपने रानी को ही ढूंढ रहे हैं यार, क्या बात है, मेरे को रेस्क्यू कर लिया, रेस्क्यू ही कह सकते हैं। ये ना तो काफी हैरान हो गया है, रुको 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 रुको, तो चलिए इसको फार्म के अंदर रखते हैं। चलो चलो बहुत बढ़िया, फीमेल भी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि दोस्तों इनको ना बाहर निकलना सही नहीं होगा। ये है दोस्तों हमारा ऑस्कर फिश के लिए, इनको काफी जोर से भूख लगा है। ये देखिए जहां जाऊंगा वहां पर ये लोग आएगा, आ जाओ इस तरफ आ जाओ, हाँ ये मैं दे दिया। देखिए ये अकेले ही खा रहे, अरे यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, हाँ ये आ गया, वो भी आ रहे। देखिए हमारा सकर फिश एक्वेरियम को क्लीन कर रहे हैं, इनको भी खाने के लिए देना होगा। देखिए सभी खाने के लिए आ गया, इतना ही काफी है सभी के लिए, इसको बंद कर देता हूँ। अभी मैं दोस्तों सभी पेट्स को खाना खिलाऊंगा, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारा बटन ने 3 अंडे दिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 अंडे, हाँ 3 अंडे, ये देखिए 3 अंडे दोस्तों यहाँ पर है। अरे हटो हटो हटो, 3 अंडों को मैं कलेक्ट कर लिया, एंड वाटर भी नहीं है, देखिए फीड भी नहीं है, सब कुछ मुझे देना होगा। बट दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि हमारा एक बटन यहाँ पर नहीं है यार, कहाँ गया यार, ये मैं दोस्तों पकड़ लिया। ये देखिए यार ये कैसे बाहर निकला था, चलो चलो चलो, शुक्र है कि दोस्तों हमारा टर्की ने उसको नहीं मारा। रुको 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 यार, हमारा अरे अरे हमारा एंजल ने दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से घोंसला बनाई है यहाँ पर, आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। यार ये किसने किया, ये देखिए यार यहाँ पर तो टर्की के अंडे है, रैबिट का फार भी है। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा एंजल ने नेस्टिंग की है और टर्की आके अंडे दिया, ये देखिए, और ये देखिए रैबिट का फार बहुत सारे है। हमारा एंजल भी बहुत ही जल्दी इसको बच्चे देने वाली है, तो इस अंडे को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ, ठीक है। रुको 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 रुको, देने वाला हो गया, देखिए सभी आ गया है खाने के लिए, इसके अंदर भी देना होगा। आ जाओ आ जाओ सभी, आ जाओ खाने के लिए आ जाओ, झगड़ा मत करो, ये ना दोस्तों सबको मारते हैं यार, इतना बदमाश है हमारा राजा। चलिए ये बटर को देते हैं, हेलो सभी खा रहे हैं वो भी मजे के साथ। ये दोस्तों बटर का वाटर यहाँ पर रख दिया, डोर को अच्छे तरीके से बंद कर दिया। ये है दोस्तों गिनीफॉल का वाटर जो मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ से पी लेगा और एक इस साइड में रखता हूँ, ठीक है। यही तो दोस्तों आज के हमारी ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आया, पसंद तो ब्लॉग को तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल के साथ बने रहे। बाय बाय।